अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जनाब, एक और हॉर्स रेसिंग जंपिंग रेसिंग में लेके आई हूँ। ये देखें क्या हो रहा है, जो हमने कभी टीवी में देखा था आज हम खुद लाइव देख के आए। और आप लोगों को फिर से टीवी कोई कोई पे देखेगा, लेकिन सारों के हाथों में मोबाइल होंगे, मोबाइल पे देखेंगे जी। ये देखें जनाब, घोड़े लगा रहे हैं, तगड़े तगड़े घोड़े लगा रहे हैं जंप, और क्या ज़बरदस्त जंप्स लगा रहे हैं। और ये रेस का देख के इतना मज़ा आता है ना, जो लाइव देखने में मज़ा है, वो आप टीवी पे मोबाइल पे देखने का वो मज़ा नहीं है। लेकिन खैर, आपको मेरी वीडियो देखनी तो पड़ेगी ना। और ये देखें जी, घोड़े साहब, इस घोड़े ने कारनामा भी अंजाम दिया था। इसी घोड़े ने दिया था या दूसरे घोड़े ने दिया था, देखें। इसने डंडे भी गिराए हैं और रेस भी पूरी अजीब ही तरीके से की है। ये लें जी, और ये धड़ाम। बेचारा बंदा। और ये जनाब, ये दूसरी वीडियो आ गई है आपके सामने, दूसरा घोड़ा आ गया है। आप कहेंगे थी जल्दी चेंज हो गया भाई, वो पहली वाली जो वीडियो थी ना वो इस साल की थी। ये वाली वीडियो जो है ना, ये लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, तो बस इस साल मैंने बस एक ही वीडियो बनाई। पिछले साल मैंने ये दो तीन वीडियोस बना ली थी, तो मैंने कहा करूँगी एडिट। लेकिन देख ले, इतनी सुस्त हूँ कि एक साल बाद एडिट कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या इंजॉय किया। पिछले साल जो था ना, इतने ठंड भी नहीं थी और मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी। और अगर आपको वीडियो में मेरे हस्बैंड और बच्चा नज़र आएंगे तो पता चलेगा कितना अच्छा मौसम था कि टी शर्ट पहनी हुई है। और इस साल इतनी ठंड थी कि हम लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी, जैकेट्स। तो खैर, आप लोग घोड़े का मज़ा लें, घोड़े की रेसिंग का मज़ा लें, उनकी जंपिंग्स का। मेरी तो बक बक आप लोग सुनते ही रहते हैं। मेरे चैनल पे आएंगे तो मेरी ही आवाज़ सुनेंगे ना, और किसकी आवाज़ सुनेंगे। ये देखें जी, हमने आपको इतने तगड़े तगड़े घोड़े दिखा दिए। कल आपको मैंने शॉर्ट दिखाया था कि मैं क्या व्लॉग लेके आऊँगी, आज मैं व्लॉग ले आई फाइनली। जिसको कहते हैं ना फाइनली, वो वाला काम कर ही डाला मैंने। और व्लॉग की एडिटिंग करते हुए जो मुझे मौत पड़ती है ना, और किस किस को पड़ती है ज़रा मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं वीडियो की आवाज़ नहीं बंद कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम वहाँ बैठ के जो कमेंट्री कर रहे थे, क्या चीखो पुकार कर रहे थे। खैर, चीखो पुकार तो करते नहीं, क्योंकि जर्मन कौम को जो है ना चीखो पुकार ज़्यादा पसंद नहीं है। खुद जितनी मर्जी वो कर लें चूँ चड़ाक, हम करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। इसलिए हम जो है ना अपने आप को काबू में ही रख के करते हैं। आपको पता तो है तूबा बेचारी कितना अपने आप को काबू में रखती है। लें जी, और घोड़े आ रहे हैं, वन बाय वन करके घोड़े आ रहे हैं। एक अपनी बारी पूरी करता है और दूसरा घोड़ा फिर आ जाता है, एंट्री मारना शुरू कर देता है। पहले जो हैं वो घोड़े पीछे हमारे बैक पे वॉक कर रहे होते हैं, अपने आप को हल्का हल्का वार्म अप कर रहे होते हैं। एकदम से तो नहीं घोड़ों को ऐसे दौड़ाया जा सकता है ना, इसलिए उनको हल्का हल्का वार्म अप वो कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो ये देखें, इस घोड़े ने भी शायद कुछ गिराया शराया था कि नहीं गिराया था, पता नहीं है, मुझे अपने बोलते हुए में पता नहीं चला ये गिराया कि नहीं गिराया। आप लोग खुद देख लें वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने तो वैसे काफ़ी क्लोज बनाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं बनी है मुझसे क्लोज। शायद आप लोगों को सही लग रही हो, अल्लाह जाने। उफ, 4 मिनट में बोल गई हूँ, आगे 1 मिनट और क्या बोलूँगी। अब ये देख लें, वाइट घोड़ा। और इस बस ये ऐसे ही वीडियोस थी, वीडियो थी मतलब रेस थी। ये 10 के 12 घोड़े थे, उनकी बारी थी और हम लोगों ने सारी देखी। लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो जाती है भाई। सारी वीडियो बना भी लूँ तो आप लोगों ने कौन सा देखनी है, आप लोगों ने तो 1 मिनट की वीडियो देखनी है। तो फिर भी मैंने कहा चलो 5 मिनट की वीडियो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि शायद कोई देख ले तो कुछ मेरे पैसे बन जाए। ये देखें ऐसे ये पीछे वार्म अप कर रहे थे हमारे घोड़े बेचारे। कितने बड़े बड़े घोड़े हैं, कितने तगड़े तगड़े घोड़े हैं, है ना। लें जी,
अब इख्तिताम पज़ीर हो रही है मेरी वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।